अब ना अपना नेक्स्ट टॉपिक है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन एवं शोधन। ठीक है, तो देखो जैसे इश्यू है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, पूर्वाधिकार अंश, इसका इश्यू तो सेम वैसा ही होता है जैसे इक्विटी शेयर्स का होता है। कोई डिफरेंस होगा क्या इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के इश्यू में? बताओ, जैसे इशू की एंट्री होती थी जगह में प्रेफरेंस शेयर आएगा, बस यही फर्क है ना? बस यही फर्क है, जहां जहां अपन इक्विटी शेयर लिखते थे वहां वहां अपन क्या एंट्री करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, बस अब हम एक एंट्री सीखेंगे किसकी? रिडेम्पशन की, शोधन, है ना। तो देखो कंपनी अधिनियम जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें सेक्शन 55 में ये बात क्लियर हो गई थी कि कोई भी कंपनी, ठीक है याद रखना, कोई भी कंपनी जो पूर्वाधिकार अंश जो इशू करती है ना, निर्गमन करती है, वो हमेशा कौन से होंगे? शोधन वाले होंगे। पहले क्या होता था कंपनी रिडम्पशन जो होता था, रिडम्पशन मींस पैसे वापस करना, याद रखना रिडम्पशन का मतलब समझो, ये जो वर्ड है ना रिडम्पशन शोधन, इट मींस क्या, हम क्लियर कट उसमें लिखेंगे कि हम शेयर 10 साल के लिए ले रहे हैं कि 15 साल के लिए कि 20 साल के लिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर कंपनी क्या करेगी 10 साल के बाद शेयर का पूरा का पूरा पैसा क्या करेगी? वापस। रिडेम्पशन का मतलब ये होता है, ठीक है, शोधन। आ रहा है समझ में रिडेम्पशन का मतलब? तो पहले क्या होता था, कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को लाइफ टाइम के लिए लेती थी, बस उनका क्या करती थी डिविडेंड देते रहती थी, लेकिन उनका पैसा कभी भी वापस नहीं करती थी। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में ये कंपलसरी हो गया है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर है मतलब पूर्वाधिकार अंश, उनको क्या रहेगा, कंपनी 10 साल या 20 साल के बाद एक टाइम डिसाइड करने के बाद वो पैसा कंपलसरी